रिंकू सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में शब्द भेद पढ़ रहे थे, उसमें हमने शब्द भेद को विभाजित किया था, चार भागों में विभाजित किया था, तो उसमें हमने लिखा भी था और आज फिर से हम थोड़ा सा लिख देते हैं। शब्द भेद को हमने चार भागों में बांट रखा है। नंबर एक, उत्पत्ति। उत्पत्ति या इतिहास, या फिर हम बोल सकते हैं स्रोत के आधार पर। नंबर दो था हमारा व्युत्पत्ति, रचना या फिर बनावट भी बोल देते हैं, बनावट के आधार पर। के आधार पर नंबर दो था, नंबर तीन था हमारा रूप। रूप बोल सकते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पर। नंबर चार था हमारा अर्थ के आधार पर। तो हमने जो शब्द भेद को चार आधार में विभाजित किया था, इन चार आधार के भी सब पार्ट हैं देखेंगे। इसमें हमने लिखवाया था, नंबर एक पे हमने पढ़ाया था तत्सम। नंबर दो तद्भव। नंबर तीन देशज, देश शब्द। नंबर चार विदेशज। नंबर पाँच है हमारा संकर शब्द। और इसमें पढ़ेंगे हम आज नंबर एक पे रूढ़ शब्द, नंबर दो यौगिक, नंबर तीन पे योग रूढ़, इसमें रूप के आधार पर हम पढ़ेंगे विकारी। नंबर दो पढ़ेंगे अविकारी। इसमें पढ़ेंगे एक अर्थी शब्द। इसमें पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। नंबर तीन पर पढ़ेंगे हम पर्यायवाची शब्द, या हम इन्हें बोलते हैं समानार्थी शब्द भी, पर्यायवाची / समानार्थी। नंबर फोर पे पढ़ेंगे हम विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम बिनार्थी शब्द बोलते हैं, बिनार्थी सॉरी विपरीत अर्थक शब्द शब्द विपरीत अर्थी विपरीत अर्थी शब्द बोलेंगे। फिर हम इसे पढ़ेंगे शब्द युगम या श्रुति भिन्नर्थक भी बोल देते हैं इन्हें, भिन्नार्थक शब्द। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम वन बाय वन करके व्युत्पत्ति रचना या फिर हम बनावट के आधार पर जो शब्द हैं उन्हें पढ़ेंगे।
हम देखेंगे रोड शब्द क्या होते हैं। रोड रोड का शाब्दिक अर्थ है रूढ़ी या परंपरा, अर्थात हम कह सकते हैं वे शब्द रूढ़ी या परंपरा, वे शब्द जो परंपरा से चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कहलाते हैं, अर्थात हम इसे इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात वे शब्द जिनके सार्थक खंड या भाग, खंड को भाग भी बोल सकते हैं, जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, गंगा, आप गंगा का कोई भी मतलब कि खंड नहीं कर सकते, सार्थक खंड, या फिर घर, नाक, राम, श्याम, गंगा, घर, नाग, राम, श्याम, ये क्या हैं? ये रूढ़ शब्द हैं, इनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द, यौगिक शब्द की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द, नंबर दो पे यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ है, यौगिक का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है योग से बना हुआ, बना हुआ वे सब जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, बने होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द उपसर्ग प्रत्यय एवं समास से बने होते हैं,
बने होते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे इसकी पहचान भी कह सकते हैं, पहचान है, इसे आप पहचान के अंतर्गत लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण समझेंगे, विद्यालय, विद्यालय जो हमारा, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा विधा के लिए आल्य, मतलब विधा के लिए स्थान, इसे विद्यालय कहेंगे। तो ये समास है हमारा, जो हमने समास पढ़ाता है, तत्पुरुष समास भी है, तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, फिर एक एग्जांपल और समझेंगे। विद्यालय हो गया है, फिर देखते हैं सामाजिक है, सामाजिक अगर इसे देखेंगे तो क्या है, समाज प्लस एक है। समाज क्या है, यहाँ मूल शब्द है, इसे मूल शब्द बोलते हैं। ये प्रत्यय है, प्रत्यय वे शब्द, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद में लग करके बनाए जाते हैं, मतलब मूल शब्द के बाद में लगते हैं। सामाजिक हो गया, फिर हम देखेंगे विज्ञान है, तो विज्ञान को कैसे लिखेंगे हम, वी प्लस ज्ञान, जिसमें हमारा ज्ञान मूल शब्द है और भी हमारा उपसर्ग बनेगा। उपसर्ग के डेफिनेशन में बता देता हूँ एक बार आपको। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के शुरू में लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, हमने उदाहरण लिखे और अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, उनकी परिभाषा जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में हम पढ़ेंगे योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द की परिभाषा और उसके उदाहरण। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो वहाँ आगे बढ़ते हैं। योग रोड साहब, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक तो होते हैं, परंतु कोई अन्य अर्थ ले लेते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु कोई अन्य अर्थ रखते हैं, अन्य अर्थ रखते हैं। योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इनकी पहचान क्या रहेगी, पहचान इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, पहचान बहुव्रीहि समास के उदाहरण योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। अब उदाहरण देखते हैं,
उदाहरण देखें गिरिधर, अब देखेंगे ये दो शब्दों से मिलकर बना है गिरि और धर। धर भूमि होती है और गिरि भी पर्वत होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका, तो गिरिधर का जो उदाहरण है, गिरिधर का जो समास निकलेगा क्या निकलेगा, गिरि को धारण करने वाला, धारण करने वाला है जो कौन है, आप सभी जानते होंगे श्री कृष्ण है। गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण, एक उदाहरण तो यह है हमारा। फिर देखेंगे और फिर हमारा चक्रपाणि, चक्र है जिसके हाथ में, चक्र है जिसके हाथ में, हाथ में वह कौन है, चक्र है गिरि को धारण करने वाला है जो कृष्ण, ठीक है। चक्र है जिसके हाथ में वह है हमारा विष्णु, चक्र है जिसके हाथ में विष्णु, ठीक है। फिर एक समझते हैं त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाला, ऐसे लिख सकते हैं तीन नेत्रों वाला कह सकते हैं, या कह सकते हैं जिसके हैं तीन नेत्र, तीन नेत्रों वाला, यह आएगा शिव। इक्वल भी लगा सकते हैं और कॉमा के साइन से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके उदाहरण, एक उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक बार देखते हैं, जैसे चक्कर पानी है, थोड़ा सा गलत लिख रहा था वहाँ, विष्णु ऐसे लग रहा था जैसे पै बन गया हो। तो चक्कर पानी, चक्कर है हाथ में जिसके, वह है विष्णु, चक्कर है जिसके हाथ में विष्णु है। तो इसके कुछ और उदाहरण मैं लिखवा देता हूँ, एक दो। जैसे यहाँ देखेंगे जलजय, जलजय का मतलब होता है जल से उत्पन्न होने वाला, तो क्या है जल से उत्पन्न वाले होने वाला है कमल। तो इसके उदाहरण ऐसे लिख देता हूँ, लंबोधर, लंबा है उधर जिसका, वह है कौन, वह है श्री गणेश। पीतांबर है, पीला है अंबर जिसका, वह भी श्री कृष्ण है। यहाँ अंबर का मतलब वस्त्र से है। एक बिना पानी, बिना पानी, तो इसका है वीणा है हाथ में जिसके, वह सरस्वती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रूप के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है आपको कैसी लग रही है। अगर कोई समस्या है, कोई आपका क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अब हम पढ़ेंगे रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हमने शुरू में ग्राफ बनवा दिया था, विकारी शब्द यह रूप के आधार पर लिख देता हूँ, रूप के आधार पर, रूप या प्रयोग की बात होता है। नंबर एक है विकारी शब्द, विकारी शब्द। विकार का आपको समझ में आ रहा होगा, विकार से जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार मतलब जिनमें परिवर्तन हो जाता है, वे शब्द हमारे विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और बताते हैं इसे परिभाषा को हम, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, लिंग वचन कारक तथा काल
के आधार पर काल के आधार काल के अनुसार परिवर्तन परिवर्तनीय अभिकार्य की बात है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक था काल के अनुसार परिवर्तन या विकार हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है हम देखेंगे इसका इसका जो परिवर्तन क्या करेंगे। अब हम देखेंगे वचन, हम वचन का है यूज कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ मैंने वचन चेंज हो गया है वचन के अनुसार, क्योंकि यहाँ बच्चा एक वचन है, बच्चे बहुवचन है, तो इसमें क्या है हमारा जो पूरा ही वाक्य है वो बदल गया है। तो इसे कह सकते हैं वचन के आधार पर यहाँ हमने वचन है, ये वचन में वचन चेंज हुआ है तो हमने ये लिख दिया है वचन, अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं। लड़का पढ़ रहा है, ये देखेंगे लड़की पढ़ रही है, ये क्या है आपको दिख रहा होगा, लिंग वचन लिंग चेंज हो गया है, लिंग बदल गया है। यहाँ देखो वचन बदला हमारा, बच्चे से बच्चे हो गए हैं हमारे बच्चे, यह हमारा लड़का से लड़की हो गई है, यानी कि जो लड़का है हमारा पुल्लिंग है और लड़की हमारी स्त्रीलिंग हो गई है। हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और लिंग भी दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अनुसार देख लेते हैं काल के अनुसार। बच्चा या बच्चे उदाहरण नंबर एक है, उदाहरण नंबर दो है। बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ बच्चे बच्चे पढ़ेंगे पढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे ठीक है। अब बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो यह हमारा वर्तमान काल है, यह हमारा भविष्य काल में बदल गया है, तो हमारा क्या काल बदल गया है। ठीक है, आप इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। उदाहरण है, हाँ इससे पहले मैं आपको बता दूं विकारी शब्द से पहले, विकारी शब्द में हमारे कौन कौन से मतलब पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं अभी देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, फिर हमारा एक और है इसमें, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया क्रिया कोमा विशेषण, विकारी
शब्द के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते हैं अब संज्ञा देखते हैं। संज्ञा क्या है थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे संज्ञा का मतलब होता है नाम से, अर्थात लिख देता हूँ मैं, अर्थात किसी का नाम ही संज्ञा है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे सुमित, अनुज, मेज, बिल्ली, ठीक है, कुत्ता आदि, ये क्या है हमारे, ये संज्ञा है। किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी का नाम ही संज्ञा है। इसके बाद में हम देखेंगे, हालांकि इनका जो देखने से पहले संज्ञा है या फिर हमारा सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, इन्हें हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सर्वनाम क्या है, अब सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है, सभी का नाम। ठीक है, अर्थ है सभी का नाम। हम इसी प्रकार से परिभाषित करेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं जैसे मैं कुछ इसके उदाहरण लिखवा देता हूँ उसके, और इसके बाद में विस्तार से हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे लोग या हम सब आदि, इस सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद मैं आपको क्रिया बता देता हूँ। अब क्रिया क्या है, वे शब्द जिनके द्वारा कर्ता के माध्यम से
कर्ता के माध्यम से वे सब जिनके द्वारा कर्ता के माध्यम से किसी कार्य का होना दर्शाया जाता है कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, टहलना, टहलना आदि। अगर हम देखेंगे उदाहरण ऐसे ही मौखिक वे में समझेंगे, जैसे कि मैं क्या हूँ कि मैं, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाना क्या है? क्रिया। क्रिया के माध्यम से क्या कर रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ाने के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसके बाद हम देखेंगे विशेषण क्या था, विशेषण शब्दों के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। विशेषण वे सब जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों की, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, मोटा, छोटा, कम, अधिक आदि। अगर हमें बात करूं जैसे राम काला है, जो काला है हमारे राम की विशेषता बता रहा है, यानी कि राम क्या है हमारा, यहाँ राम हमारा संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता जो काला शब्द बता रहा है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर। इससे पहले हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जैसे कि नाम से ही यहाँ दिख रहा है, अविकारी यानी कि जिसमें विकार ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, वे शब्द हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण
क्लियर सेशन के बाद में देखेंगे हम समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द हैं, क्रिया विशेषण है और संबंधवाचक शब्द हैं। संबंधवाचक और हमारे विषम्य बोधक सब। चलो ठीक है, तो अव्ययकारी शब्द कहलाते हैं वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्ययकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध वाचक, विषम्य बोधक इसके अंतर्गत आते हैं। अव्ययकारी शब्द को ही हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्ययकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से क्रिया विशेषण, कौन से शब्द होते हैं इन्हें देखेंगे। जैसे कि आज, कल, अब, कब, यहाँ, इधर, उधर, ये शब्द होते हैं। अब संबंधवाचक में देखेंगे, ये समुच्चयवाचक की बात करें, परंतु, इसलिए, किंतु, ठीक है, किंतु आदि शब्द आते हैं इसके अंतर्गत। समुच्चयबोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। तो हम देखेंगे जब पढ़ेंगे इसमें संबंधवाचक में जो कारक होते हैं, आप देखेंगे संबंध में का, जैसे हमने बताया था कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान, को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध संबंध होता है में पर ऊपर, नहीं नहीं सॉरी का की ये वाली है, का की के रा री रा री रे। विषय में बोधक शब्द वे होते हैं जैसे कि जिनमें हमारा इस तरीके का लिखा होगा, विषय में बोधक का चिन्ह होता है इस तरीके से, जैसे हे हे राम या अल्लाह इस तरीके से लिखा होगा या अल्लाह। तो ये शब्द इस प्रकार से हैं। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर। तो अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। एक अर्थी शब्द वे शब्द जिनका केवल केवल और केवल एक ही अर्थ होता है, एक अर्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द एक अर्थी शब्द के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे गंगा, राम, श्याम, अरुण, वरुण। अब देखेंगे राम है, राम को कोई अर्थ नहीं निकल सकता क्योंकि राम एक नाम है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। ऐसे श्याम है, श्याम का भी कोई अर्थ नहीं है, अरुण का भी कोई अर्थ नहीं है और गंगा का भी कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द की जो हम परिभाषा को समझेंगे और उसके उदाहरणों को नोट करेंगे। अनेकार्थी शब्द क्या है, मैंने लिखा है वे शब्द जिनके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है हार, हार का मतलब है गले की माला होती है, और पराजय यानी कि किसी से हार जाना। फिर दूसरा उदाहरण लिखा कनक, कनक का एक अर्थ होता है हमारा धतूरा, दूसरा होता है हमारा सोना। फिर कर है, कर का एक अर्थ होता है हमारा हाथ, एक होता है टैक्स। फिर पानी लिखा है, तो पानी का एक अर्थ है चमक, एक है प्रतिष्ठा, एक है जल। तो इस प्रकार से हमने समझा, ठीक है। अनेकार्थी शब्दों को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिनके अर्थ एक से अधिक हों, जैसे लिखा हुआ है अनेक अर्थी यानी कि अनेक अर्थ यानी कि एक से अधिक अर्थ हों, वे शब्द ही हमारे अनेकार्थी शब्द होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनके समान अर्थ होते हैं, पर्यायवाची शब्द या फिर हमारे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण है अंग,
अंग का मतलब होता अंश, अवयव, हिस्सा, भाग, यानी कि बात है किसी भी चीज़ का छोटा छोटा भाग, वैसे अंश बोलते हैं। हालांकि अंग और अंश ये समान अर्थ रखते हैं, या तो अंग बोल दो या अंश कह दो या अवयव कह दो या फिर हिस्सा या फिर भाग बोल सकते हैं। ऐसे हमने लिखा उजाला, उजाले को हम देखा होगा कहीं उजाले को कहते कि उजाला कर दो, कोई कहता कि प्रकाश प्रकाश फैला दो, कोई कहता रोशनी कर दो, कोई चांदनी बोलता, तो ये इनके समान अर्थ हैं। ऐसे यहाँ देखेंगे विलोम, वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विलोम शब्द, या विपरीत अर्थी शब्द कहलाते हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा, एक दूसरे का उल्टे जो शब्द होते हैं इस तरीके से। अंत, का अंत होता है जो समाप्त, आदि होता है जो शुरू करते हैं। एडी, आपने देखा होगा हमारे पैर का सबसे निचला पार्ट है उसे हम एडी बोलते हैं, जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है हम उसे चोटी बोलते हैं। तो इसके साथ हम पढ़ेंगे शब्द युगम, या फिर हम उन्हें बोलते हैं श्रुति समानार्थी शब्द, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे युग्म शब्द या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि समश्रुति से ही यहाँ दिख रहा, सम यानी कि समान, श्रुति यानी कि उच्चारण, समान उच्चारण होता है लेकिन भिन्नार्थक यानी कि भिन्न अर्थ होते हैं। अब यहाँ देखेंगे हमने लिखवाया वे शब्द जो उच्चारण दृष्टि से समान होते हैं लेकिन या परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वे हमारे समश्रुति भिन्नार्थक या शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिखा तरणी, माने होता नाव, जैसे तरणी इसे बोलेंगे तरणी, यानी कि इसमें बड़ी की मात्रा है इसमें छोटे की मात्रा है। तरणी माने सूर्य होता है, देखेंगे उच्चारण का समान है। तरणी इसे बोलेंगे तरणी, तो इनके उच्चारण जो लगभग समान से हैं और इनके अर्थ आप देखेंगे तो अलग अलग हैं। जैसे यहाँ अंश लिखा हुआ है, अंश माने होता है कंधा, यहाँ लिखा हुआ अंश, तो ये अंश एक अंश का मतलब होता है हिस्सा। अभी मैंने लिखा थर्ड एग्जाम्पल, ये सूत है, सूत माने सूर्य होता है, एक सूत ये है, सूत माने पुत्र होता है। देखेंगे बार बार हम देखेंगे तो इनका जो हमारे उच्चारण है वे लगभग समान से ही हैं और इनके अर्थ जो हमारे भिन्न भिन्न आ रहे हैं। ऐसे हम देखेंगे कुल, का मतलब होता है जोड़ या योग, ये कुल होता है, कुल माने होता है किनारा। तो हमें अक्सर हिंदी में पढ़ते समय या हिंदी में लिखते समय तो इन्हें गलती हो जाती है, तो इन्हें इनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम कुल को कभी कुल लिख देते हैं तो इस बच्चे गलती कर देते हैं, कुल को इस वाले कुल को कुल लिख देंगे लेकिन इसका देखेंगे तो किनारा बन जाएगा, तो इसलिए हमारा जो हिंदी है भाषा वो गलत हो जाती है, वाक्य भी गलत हो जाता है उससे। इसी के साथ हमारा जो शब्द भेद है ये चैप्टर कम्प्लीट होता है। इसके बाद हम नए चैप्टर के साथ आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।